देखिए भारत हम हमेशा कहते थे और स्वामी विवेकानंद जी भी कहते थे कि 21वीं शताब्दी में भारत फिर अपने विश्व गुरु के पद की ओर जाएगा। आज हम धीरे धीरे उस ओर बढ़ रहे हैं। अभी अभी हमने देखा भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ देशों में गए थे, जापान में गए, पापुआ न्यू गिनी में गए, फिजी में गए, ऑस्ट्रेलिया में गए, और जिस प्रकार से उनको सम्मान मिला, जब अमेरिका के राष्ट्रपति ये कहते हैं कि मोदी जी की सिग्नेचर लेनी है, उनकी स्वाक्षरी लेनी है, या कहते हैं कि मोदी जी के आने पर हमारे सामने समस्या खड़ी होती है कि किसको पास दे या न दे, या ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि मोदी जी हमारे बॉस है, या फिर छोटे छोटे राष्ट्रों के प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष जब ये कहते हैं कि हमारी आवाज ये मोदी जी है, ये मोदी जी का सम्मान नहीं है, ये भारत का सम्मान है, ये भारत की नई ताकत का सम्मान है, ये नए भारत का सम्मान है जिसको आज दुनिया मान रही है। क्योंकि हमको जिस प्रकार से रोका गया था, भारत को रोकना आसान नहीं था, और जिसका उल्लेख मुझसे पहले यहां पर हुआ, बाबा कल्याणी जी ने कहा कि ये हमारा समय है। आज हम जिस डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, 2020 में भारत ये दुनिया के सबसे युवा देशों में हमारा शुमार हुआ है। आज हमारी जो एक औसत आयु है ये 25-27 साल की औसत आयु, और हम लोग अगर दुनिया का इतिहास देखें तो दुनिया के इतिहास में इस प्रकार का डेमोग्राफिक डिविडेंड जब यूरोप को हासिल हुआ तो उन्होंने प्रगति की, अमेरिका को हासिल हुआ उन्होंने प्रगति की, जापान और कोरिया को हासिल हुआ उन्होंने प्रगति की, पिछले 30 वर्षों में चीन ने इसी डेमोग्राफिक डिविडेंड के आधार पर प्रगति की, और आज ये डेमोग्राफिक डिविडेंड भारत के पास है, लेकिन ये अक्षय नहीं है। अगले 25 वर्ष ये भारत के लिए इस डेमोग्राफिक डिविडेंड के आधार पर अपने देश को एक बलशाली देश, एक विकसित देश, एक समृद्ध देश इस रूप में विकसित करने का यह अवसर है। और इस अवसर को मैं ऐसा मानता हूं कि यथार्थ में कौन बदल सकता है, तो मेरे सामने जो छात्र शक्ति बैठी हुई है यही छात्र शक्ति इसको यथार्थ में बदल सकती है। क्योंकि ये जो भारत का स्वर्णिम काल है, इस स्वर्णिम काल के अगर हम साक्षी होंगे तो इस स्वर्णिम काल के सहभागी ये आप लोग होने वाले हैं, ये आपके भरोसे भारत को आगे बढ़ना है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि हम लोग भारत के उस संक्रमण के काल में है कि जिस काल को अगर हमने सही रूप से उसका उपयोग किया तो हम लोग जो सपना सदियों से देख रहे हैं, या विद्यार्थी परिषद जैसे संगठन पिछले 75 सालों से जो सपना देख रही है, उस सपने को पूरा करने का मार्ग ये अगले 25 वर्षों में है। मैं ऐसा मानता हूं कि आज जो हमारी पीढ़ी, जो आज हमारे छात्र है, जो आज हमारे युवा है, इनके कांधों पर आज जो जिम्मेवारी है, इस जिम्मेवारी का निर्वाह अगर वो ठीक से नहीं कर पाए तो आने वाली पीढ़ियां कभी उनको क्षमा नहीं करेगी। और मैं ये मानता हूं कि केवल उनके भरोसे नहीं है, तो हमारी भी जो पीढ़ी है, इस पीढ़ी को उनका साथ देना होगा, उन्हें अवसर देना होगा, उन्हें आगे ले जाने का काम करना पड़ेगा, उन पर विश्वास रखना पड़ेगा। और अगर हम विश्वास रखेंगे तो आज देखिए भारत कितना बलशाली बन रहा है। आज जो भारत कभी याचक की भूमिका में दिखता था, अब वो याचक की भूमिका में नहीं है, अब भारत एक बहुत ही मजबूत देश के रूप में आज हमारे सामने हमको दिखाई पड़ता है।